हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता भी है स्कूटर आ रहा है, इधर बजा लो। हेलो अर्चना जी। हेलो चप्पू। हेलो हेलो चला मत। अबे यू इससे बड़ा डर रही हो? बाहर ऑटो तो बड़ा दिलेरी से चलाते हो। अर्चना जी। हाँ। इतना जगमग जगमग क्यों हो रहा है? एक बार फिर चप्पू तेरी जो ऐनक है ना, ये जगमग कर रही है। मेरे को पता था, ये मैं चैनल को दिखाना चाहता था, इस लेडी को कुछ नहीं आता। अर्चना जी। हाँ। मुझे जॉब मिल गई है फूड गेंडा में। हैं? हाँ, डिलीवरी बॉय की। बस आप मेरे को आशीर्वाद दो। हाँ। कि आप जैसे मुफ्तखोर कस्टमर ना मिले मेरे को। या चप्पू फ्रॉम फूड गेंडा या शोभा, आपका ऑर्डर लेके निकल चुका हूं मैं। ऐसे कैसे जल्दी आ जाऊं? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूं जो चुम्मियों के चक्कर में जल्दी आ जाऊं। या आई अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका कोई ऐसा ऑफर है तो मैं आ सकता हूं। फोन काट दिया। ये चुम्मियों के नाम पे फोन क्यों काट देती है लड़कियां? नहीं मतलब ये डिलीवरी बॉय की कोई फीलिंग नहीं होती? हाँ। जिसको देखो हमें टिप दे देता है। हाँ। हिम्मत है तो चुम्मी देके बताओ। हैशटैग डिलीवरी बॉय किस चैलेंज। बड़ी भूख लग रही है, देखो मेरे बक्से में क्या है। क्या है? मैं तो जल्दी जल्दी में खाली ले आया, अब क्या करूं? हाय माँ सदके चप्पू। ओए तुमने स्कूटी ले ली? नहीं। हाँ? एक शगुन का झूला दे दे। मैंने पिस्तौल भी ली, शगुन की गोली मारू? दे दे मेरे को। चलो मेरे को बातों मत लगाओ, मेरे को डिलीवरी भी देनी है। ओए चप्पू शर्मा, मेरी कान खोल के बात सुन लो। हाँ? जब तक चंदू का ढाबा इधर ना, कोई डिलीवरी वाला इधर नहीं आ सकता। मेरे बेटे ने दो आलू के चढ़ाए कुकर में, तुम लोगों की सीढ़ी निकल गई। और जानती हूँ मैं तुम जैसे डिलीवरी वालों को, लोगों को झूठा खाना सप्लाई करते हो। क्या झूठा नहीं है इस दुनिया में? ये जो कुर्सी बैठी है झूठी नहीं है? गाने रिमिक्स होके आ रहे वो क्या झूठे नहीं है? हमारा खाना झूठा लग रहा है। चल निकल यहां से, मैं कोई अर्चना नहीं हूं कि ये बात सुन के मैं हंस के ताली बजा दूंगी। अपना मुकाबला आपसे कर रही है। आ, आपने इतने शो नहीं किए हुए जितने वो छीन चुकी है, मेरा मतलब जज कर चुकी है। बढ़िया ही। तो कोई बात नहीं, सोनी साहब ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि शो की अगली जज मैं ही होना है। बिल्कुल ठीक है, तेरे से अगली जज कोई हो ही नहीं सकती। मेरी बात सुनो, तब तक ये सब टिंडे विंडे काटती रहोगी, मेरे साथ आ जाओ, डिलीवरी करते हैं, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, चांदनी के भी अपने असूल हैं, अपने आदर्श हैं। जिनका बेटा चंदू जैसा हो ना, उनकी सिर्फ मजबूरी होती है। मैं कहता हूँ डिलीवरी करो, पर डिलीवरी तुम्हें मैं 20 रुपए दूंगा। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं 20 रुपए बिक जाऊंगी? 21 रुपए। डन डन। ये लो पकड़ के, फटाफट डिलीवरी दे के आओ, कस्टमर वेट कर रहा है। ठीक है? चल ठीक, मैं हूँ अभी, देखे आई। या शोभा। हाँ बोलना यार, ला रहा हूँ तुम्हारा खाना। हाँ देर हो रही तो खुद आ जाओ ना फिर, इसी बहाने मिल लेंगे। फोन काट दिया, ये लड़कियों को फोन काटने की बड़ी जल्दी रहती है। ओहो एक और फोन आ गया। हेलो। हेलो। या हेलो। हेलो
हेलो हेलो, अब बच्चा यादव बोल रहा है, खाना ऑर्डर किया था यार, आया नहीं अब तक। भाई साहब धीरे नहीं बोल सकते, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। माय हेलो पौजी ब्रदर। अरे खाना ऑर्डर किया था, आया नहीं अब तक। तुम क्यों धीरे बोल रहे, तुम तो बोलो। हाँ ये बात भी सही है यार, फिश करी ऑर्डर किए थे यार, किधर। फिर ऊंची बोल रहे। कस्टमर से बात कर रहा हूँ मैं। माय हेलो पौजी, फिश करी ऑर्डर किया था। एक मिनट, ऑर्डर फूड गैंडा फिश करी। डूड डूड, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ और तुम आए नहीं रहे। मैं नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। कट्टी, हम खाना मंगाए थे यार, तुम्हें डेट पे नहीं बुलाया था। नाराज क्या हो रहे हो तुम हमसे? यही प्रॉब्लम है देश की, तुम जैसे लड़के हम जैसे लड़कों को डेट पे नहीं बुलाते, तो लड़कियां कहाँ से बुलाएंगी? क्या बेतुक की बातें कर रहे हो यार, हमने खाना ऑर्डर किया था, दो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ रहे हैं? ये म्याऊं क्या कर रहे हो? चूहे भगा रहा हूँ, तैयार हो जाओ, कहीं से भी निकल सकते हैं। क्या बोलने जा रहे हो यार, फिश करी कहाँ है हमारा? फिश करी तो यार फिश करी ये ना, ये लो। अरे यार तो बोलो ना, लेकर आयो तुम भी यार। यार तुम बकवास बड़ी करते लोग। ये क्या, ये खाली डब्बा है, फिश करी कहाँ है? इधर ही रही। ओहो, मैं बताता हूँ आपको, मैं क्या हुआ, मैं ना पहले घर से करी लेके निकला। मैंने कहा फिश रास्ते में तालाब में से पकड़ लेंगे, और मैंने तालाब में डिब्बा ऐसे डाला, मैंने कहा फिश आई, वो करी बह गई यार। मेरा तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। क्या बेतुकी का बात, ये हमको हमारा फिश करी चाहिए, हमने जो ऑर्डर दिया हमको चाहिए, समझे? चाहिए तो चाहिए, तो चाहिए तो चाहिए 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 तो जाके तालाब में से पकड़ दो फिश। अच्छा, अब फिश के लिए हम तालाब जाएं? तो मतलब फिश को पहले यशराज स्टूडियो में बुलाएं? हैं के फिश को मैरियट में बुलाएं, उधर स्वीट बुक करें, आमने सामने बैठ के, फिश क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ, ये सब करें? बिल्कुल आदमी कैसा बात किया जा रहा हो यार, हमने ऑर्डर किया था फिश करी, वो तो तुम दे नहीं रहे हो। ये भड़क क्यों रहा है हर बात पे? ये ले रोटी खा ले, मैं कुत्ते के मुंह से छीन के लाया हूँ। ये ऐसे हाथ क्या साफ कर रहा है, कुत्ते के मुंह से छीन के लाया हूँ, मुंह से। देखो यार, चाहिए ही नहीं तुम्हारा फिश करी, नहीं चाहिए, हम कहीं और से ऑर्डर करेंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, रहने दो। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो, सफाई बांटो, तुम जाओ यार। हेलो, हाँ जी चांदनी आंटी, किधर है? अंधेरा है आगे, चलती जाओ चलती जाओ, एक दिन उजाला आएगा। उजाला नहीं तो नाला आएगा, गिर जाना। एक तो इस औरत को कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, वो आपके बारे में बोल रही है। हेलो, हाँ शोभू, शोभा मेरे को पता है, प्यार से बोल रहा हूँ। हेलो यार, कहाँ हो तुम? कब से फोन पे फोन किए जा रही हो, मैं काटे पे काटे जा रहा हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ देखो, आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है, आधा रास्ता तुम तय कर लो, ऐसे मिलजुल के चलेंगे, देश बढ़ेगा। जब पता है मैं इधर खड़ा हूँ, एक रुपया क्यों टलवा रही है इसका कॉल का? How are you baby? मेरे लिए क्या लाई हो? Just shut up, okay? मैं तुमसे सुबह से फोन कर रही हूँ, इतनी स्लो डिलीवरी। तो फास्ट डिलीवरी के लिए शोएब अख्तर को रख लूँ? एक काम करो, तुम रख लो, लेकिन वो मानेगा नहीं। तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? दो चार किसेस और पांच छह हग्स छोड़ के बाकी मैं टोटली कुंवारा हूँ। क्या बोलती हो? फालतू की बातें बंद करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो बताओ डिनर पे कहाँ जाना है? Just shut up! मैं उस खाने की बात कर रही हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है, दो मुझे। एक तो ये लड़कियां सारा दिन ऑर्डर बड़ा करती हैं। यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये खाना वो नहीं खाना। How disgusting of the manner is in this. Shut up!
कौन सा ऑर्डर बेबी? आई एम नॉट योर बेबी, ओके? और दूसरी बात ये कि मैं उस खाने की बात कर रही हूँ जो मैंने तुम्हारे यहाँ से ऑर्डर किया है। दो, मुझे भूख लग रही है। ये जो इंग्लिश बोलती है तुम बीच बीच में, ये कितने दिन में आ जाती है? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि नवंबर में इंग्लिश का शो ऑफ शुरू कर दूं। पहली बात कि जो इंग्लिश है ना वो एक दो दिन में नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है। तुम करती क्यों नहीं हो फिर? 10 सालों से जानता हूँ, वही 2-3 वर्ड बोल रही है। बड़ी आई प्रिंसेस ऑफ मलाड। ओ हेलो, या हेलो। हाँ हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? हाँ, जहाँ तुम छोड़ के गए थे। अरे लेकिन ए यार, तुम तो फूड गैंडा से हो। इस बार हमने टोमेटो को ऑर्डर किया, तुम क्यों फोन उठा रहे हो? अरे यार, मैं आपको बताना गया, वो ना मेरे अच्छे बिहेवियर के चलते मेरे को फूड गैंडा वाले निकाल दिया। तो नाउ आई एम वर्किंग फॉर टोमेटो। तो देखिए, ये सब कौन कब निकल जाए कुछ पता नहीं है। कौन किसके सिंहासन पे आके बैठ जाए कोई पता नहीं है। अपना अपना एक साइड बिजनेस करना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि हम सब ले दे के सोनी के हाथ की कठपुतली हैं। खर्चे इतने हैं, क्या करें, अलग अलग काम धंधे करने पड़ते हैं। आपको पता तेल का भाव क्या हो गया? 60 रुपया लीटर हुआ, और क्या हुआ? मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑलिव ऑयल में खाना खाता हूँ। हाँ, तो वो तो 500 रुपये लीटर आता है। 500? हाँ। वो फिर आप ओरिजिनल की बात कर रही होंगी। मेरा वाला 50 रुपए का आता, वो तो बोतल में सामने मेरे सामने नाम लिखते ऑलिव ऑयल। स्मेलिंग थोड़ा इधर उधर होते, बाकी स्मेल तो प्रॉपर आती है। अच्छा। और इतना अच्छा तेल, आप यकीन नहीं, आप उसको जनरेटर में भी डाल सकते हो। या वो डीजल होता है। या डीजल ऑयल, डीजल ऑयल, डीजल ऑयल का पराठा खाओ ना आप, दिल्ली तक चले जाते हो 8 घंटे में। फालतू की बातें बंद करो यार, हमने जो ऑर्डर दिया है ना वो तो हमको चाहिए। दो अब पराठा मार के ना, तेरा ये टावर तोड़ देना। मैंने तो पहले ऑर्डर के पैसे दो। हाँ तो वो तो ऑनलाइन भर दिए ना यार। तो ऑनलाइन खाना खाओ ना जाके। ऑनलाइन कैसे कोई खाना खा सकता है? ऑनलाइन लड़कियों के साथ चैट नहीं करते, तब तुम्हारा दिल नहीं भरता। वहां पे जाके पेट भर लो। यार तुमको किसने बताया कि हम ऑनलाइन चैट करते हैं लड़कियों के साथ? हाँ, तो तुम जैसे लोगों को लाइव मुंह कौन लगाएगा? कितनी अच्छी बात बोली तुमने। हाँ। अरे ओ कैटरीना कैप की 6ठी कॉपी। एक बात याद रखना, सलमान खान फिल्म में आते हैं, मंडप में नहीं। हाँ। मंडप में हम जैसे लड़के ही आते हैं। हाँ। सही कहा तुमने। कि नहीं, बॉडी तो बनती नहीं ना तुमसे, तो बातें ही बना लो फिर, आलसी कहीं के। और तुम पैसे लाओ मेरे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ, जल्दी लाओ। पुलिस को हर बार पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ। दिस टाइम कॉल द आर्मी। चप्पू शर्मा, कौन से एरिया में मेरे को डिलीवरी देने के लिए भेज दिया? कुत्ते मेरी बॉडी बॉडी नोच के खा गए। क्या कुत्ते ने आपकी बोटियां खा ली? बोटियों के पैसे लिए उनसे कि नहीं? हेलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी चोट लगी है उन्हें और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। सब ठीक है, नाटक करिए। अपनी जान पे खेल के मैं दाल डिलीवर करके आई हूँ, मेरे पैसे दो। किस बात के पैसे मालकिन? 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 कौन मालकिन? आप मालकिन? इस ढाबे की मालकिन? फूड गैंडा की मालकिन? ये 3 कुत्तों के साथ बीड़ी में मेरे को मालकिन बना लिया। तो मुझे पहले बताते, मैं कुत्तों के झुंड के आगे लेट जाती। देखो यार, हमारा खाना नहीं देना है, मत दो, हमारे पैसे वापस दो। चलो मेरी भी सैलरी दो, मैंने 2 दिन से जूस नहीं पिया। बाढ़ में गई सैलरी और बाढ़ में गई मालकिन, मेरे पैसे निकालो। 21 रुपए डिलीवरी के और 2000 रुपए मेरे आत्मसम्मान के। आत्मसम्मान नहीं होता, आत्मसम्मान बोलो। तो कोई बात नहीं, मैं दारा सिंह की फैन हूँ।
कितने पैसे हुए आपके? 2021. 2019 में 2021 कैसे हो गए? इतने पैसे तो तुम्हें सोनी नहीं देता. बात कर रहे हैं. हमारे पैसे लाओ तुम पहले. लाओ पैसे दो. पैसे दो जल्दी से. 850. एक मिनट. पैसा पैसा पैसा. कमी नहीं है पैसे की. बड़ी कंपनी है. कितने हैं आपके? 850. आठ आठ सौ के 50. तीन तीन पैसे बता रहा है. 850. अच्छा आठ सौ पचास. आपके कितने हैं? 2021. ये मुंह बेच दो ना, आपको 25 रुपए हाथों हाथ मिल जाएंगे. 850 और 2021. और मेरे इधर तेरे ही आ रहा हूँ. पास तेरी मरी जा रही है. लालची औरत कहीं की. कितने पैसे आपके? 900 रुपए राउंड फिगर. राउंड फिगर कितने होते हैं? आप जोक नहीं बनाना. 900 है राउंड फिगर है. 850 2021 900. कितने हुए टोटल? ये 4000. 4000. पकड़ो इसको. 4000 हुआ टोटल. ये क्या कर रहे हो? 300 तुम रखो. 3700 तुम रखो. मतलब? और मेरे 2021. तुमने हील पहनी ना? हाँ. तो तुमसे तो भागा नहीं जाएगा. हाँ. तो तुम तो वैसे नहीं भाग सकते. आपका जो वैसे बेटा करके. आराम से चल के जाऊंगा मैं. जो करना है कर लो. अबे चल के क्या जाएगा? रुपए अबे रुपए. अर्चना जी कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में अगर वो आ जाए. आप समझ रही हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? समझना नहीं चाहती. आप नहीं समझेंगे क्योंकि पति पत्नी में तो वो भी आप ही हैं. तो पति पत्नी के बीच में कोई वो आ जाए तो बड़े ड्रामे होते हैं. तो ऐसी एक मजेदार फिल्म आ रही है पति पत्नी और वो, और इसकी स्टार कास्ट जो है आज हमारे बीच में आ रही है. तो चलिए सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो फिल्म में पति और पत्नी का किरदार निभा रहे हैं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कार्तिक आर्यन एंड भूमि पेडनेकर. थैंक यू ब्रो. लव यू ब्रो. यू आर अ परमानेंट गेस्ट नाउ ऑन आवर शो. बजट ऑल द बेस्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कपिल 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 कपिल. ये ये ऑडियंस का पता नहीं चलता किसकी तरफ है. आपके आने से पहले कपिल कपिल हो रही थी. ये पूरा महाराष्ट्र वाली पॉलिटिक्स हो गई. कोई कहां भी जा रहा है. जैसा कि आपने अभी इतना रंगारंग कार्यक्रम देखा, हमेशा खुशी के मौके पे विवाह शादी बच्चों के मुंडन में याद रखे. कार्तिक पेडनेकर ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. कार्तिक भूमि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो. थैंक यू कपिल. आप बेस्ट लग रहे हो. और थैंक्स बेब्स. तभी मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी कार्तिक के बर्थडे की. अच्छा ये आइडिया बड़ा अच्छा है. क्या सर? बर्थडे चाहे जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड के साथ मनाओ, सोशल मीडिया पे पिक्चर फैमिली की डालो. बिल्कुल सही जा रहे हो ब्रो. शाबाश. कहाँ है? आज भी फोटो डालूंगा. क्या प्रोडक्ट है आपका? वाह. भूमि जिस भी फिल्म के लिए आती है सुपर डुपर हिट हो जाती है. अच्छा आपको कभी कभी मलाल नहीं होता कि जो लड़का मेरे लिए लकी था वो मेरे हाथ से निकल गया? होता है. इसलिए तो मैं बार बार शो पे आती हूँ. आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका. आइए बैठ के बातें करते हैं. थैंक यू थैंक यू. पति पत्नी और वो, आप सबने ट्रेलर देखा होगा. बड़ी मजेदार फिल्म है. आपको सबको पता है कार्तिक की जो पहली फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा 2. आगे इनकी पता कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, लव आजकल 2. यहाँ तक कि पति पत्नी और वो में भी इनका नाम चिन 2 है. कार्तिक हम क्या समझे, आपको दो नंबर के काम ज्यादा पसंद है? सर हर दूसरी फिल्म मेरी है. भूमि इस फिल्म में आप अपने हस्बैंड की जासूसी कर रही हैं काफी. जासूसी?
रियल लाइफ में कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ी किसी की जासूसी करने की? आपको लगता है कि अगर कोई मेरे साथ रियल लाइफ में होगा उसे शाबाश? अच्छा कार्तिक को आपने देखा लुका छिपी में, ये इनकी शादी हो जाती है, इस फिल्म में भी ये हस्बैंड बने हुए हैं, मतलब ऑन स्क्रीन हस्बैंड बनने का पूरा मजा ले रहे हैं ये। रियल लाइफ में किस चीज का आपको डर है? लड़की नहीं मिल रही है या बहुत ज्यादा मिल गई डिसाइड नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो दूसरा वाला लग रहा है। मेरे को भी दूसरा वाला ही लगता है कार्तिक। वो समझ नहीं आता ना सर रियल लाइफ में, क्या कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा चॉइस बहुत है ना, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा आदमी भूखा हो ना तो सूखी रोटी भी खा ले, सामने बुफे लगा और तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कार्तिक के मम्मी पापा। अच्छा कहीं हो ना हो कार्तिक, आप जो मर्जी जोर लगा लो, कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में चल तो रहा होगा कि वाह मेरे सपने मेरा बेटा पूरे कर रहा है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको जब आपका बेटा अलग अलग हीरोइन के साथ रोमांस करता है बड़े पर्दे पे? प्राउड फील करते, काश ऐसा होता मैं भी कर पाता ऐसा। अंकल कार्तिक की मम्मी ने ताली बजाई ऐसे करके। आप भले डॉक्टर हो, घर जाके ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आप। अच्छा वैसे आप देख रहे हैं भूमि जो है कितनी स्टाइलिश है, यू नो पूरी मतलब अच्छा लगता है देख के इनको, लेकिन आप इनके फिल्मों में इनके करेक्टर के नाम देख लो, सब मेरी मम्मी की सहेलियों वाले। आप संध्या, जया, सुधा, इंदुमती, चंद्रो, आपका दिल नहीं करता आपका भी नाम ऐसा हॉट सा हो? पू निशा ऐसा आपने कभी बोला नहीं स्क्रिप्ट राइटर को कि नाम तो लिख दो, नाम से क्या होता है? मैंने बोला है, मैं तो बहुत चीजें बोली है, मैंने तो ये भी बोला है कहीं मुझे यूपी के बाहर जाके शूट करा लो, क्योंकि सुनता कौन है। मैं मतलब जो यूपी में पिक्चर एक कर, बहुत अच्छा स्टेट है उत्तर प्रदेश, हमें बहुत प्यार दिया है। लेकिन मैं तो बोलती मैं कहा नेपाल ले जाओ शूट कराने, बस आउटडोर किसी लोकेशन में ले जाओ, मैं भूटान चली जाऊंगी, लक्षद्वीप भी चलेगा, बस उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाओ। सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक का नाम सोनू था, लुका छिपी में इनका नाम था गुड्डू, इस फिल्म में चिंटू। मजे सारे बड़े लड़कों वाले ले रहे हो, नाम ऐसे रखे हैं प्यारे बच्चे वालों, नाम क्यों होते कार्तिक? इनोसेंस है सर। हाय हाय। और इनोसेंस का फायदा उठाया जा रहा है। स्वेटिंग एसी तो पूरा चल रहा है, ये अंदर की गर्मी है जो बाहर आ रही है। अच्छा आदमी की फितरत बड़ी अजीब है, गर्लफ्रेंड में बीवी को ढूंढता है, बीवी में गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और अगर गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। कार्तिक इस फिल्म का ट्रेलर में ना बोल रहे हैं कि मेरे अच्छे दिन आएंगे भूमि के साथ शादी करने के बाद, कौन से अच्छे दिनों का इंतजार है आपको फिल्म में? अच्छे दिनों का सर मतलब अच्छे तो चल रहे हैं, अच्छे तो चल रहे हैं सर, राइट अंदर की बात है। अब वक्त है कार्तिक के अच्छे दिनों को यहाँ बुलाने का, तो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ ये वो हैं जो फिल्म में भी वो हैं। अच्छा तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वेरी स्वीट एंड चार्मिंग अनन्या पांडे। वाओ कितनी ऑर्गेनिक ड्रेस पहनी है आपने। आने वो पूरा वो आ रहा है ना वो जो ये लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं अनन्या? फेदर। फेदर फेदर। या वाओ लवली वेदर विद फेदर। थैंक्स अनन्या, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, मुबारक हो आपको आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए। थैंक यू। अच्छा जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर करी थी ना अनन्या ने, ये विल स्मिथ से मिली थी जी, अभी हाल ही में केटी पेरी से मिली, आज मुझसे मिल रही हैं आप। पर आपको कैसे लग रहा है मैं 6 महीने के बाद आई हूँ, आपने मुझे मिस किया? मेरा तो हर हफ्ते चलता ही है ना। I mean, मिस करता हूँ मैं, ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, देयर इज इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे फोटो वगैरह देख लेता हूँ। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि विल स्मिथ से मिली केटी पेरी से आज मुझसे, तो डे बाय डे जो आपकी तरक्की हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी थोड़े दिन पहले हाउसफुल 4 के लिए चंकी सर आए थे यहाँ पे, उनकी फिल्म हाउसफुल 4 जो है बहुत बड़ी हिट हो गई। अच्छा अनन्या पापा ने आपको पार्टी दी हाउसफुल 4 के बाद, कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वाली भी हिट होने दो, तुम्हारे प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर कराएंगे।
आपको लगता है मेरे पापा पार्टी देते हैं? नहीं लगता, मैंने इसीलिए कंफर्म किया। नहीं, उन्होंने नहीं दिया। आई थिंक मैं उनके लिए पार्टी रखूंगी अब जब ये हिट होगी। वेरी नाइस। पता चंकी सर ने खुद कहा, कहते मैंने तो अपनी जितनी बर्थडे पार्टीज बनाई मैंने स्पॉन्सर कराई, एक्चुअली सामने थी। हाँ, मैंने अटेंड भी की है वो स्पॉन्सर्ड पार्टियां। ही स्टार्टेड द ट्रेंड। क्या ख्याल है? पोर थिंग शी इज हाइडिंग हर फेस। अनन्या, जब आपका बर्थडे होता था हाँ, पापा खुद से खर्च करते थे पैसे के, स्पॉन्सर होता था बर्थडे? लास्ट वाला स्पॉन्सर्ड था हाँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दूसरे के बॉयफ्रेंड पे नजर रख रही है अनन्या, इसमें ये दूसरे के पति पे नजर रख रही है। अच्छा, फिल्मों में तो आप दूसरों के फिक्स डिपॉजिट पे नजर रख रही है, पर्सनल आपका कोई अकाउंट खुला है अभी तक के? नहीं, ये आपके फैंस जानना चाहते हैं। देखिए नहीं नहीं, मेरी उम्र बहुत कम है बैंक जाने की। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना कार्तिक के जो पापा बने हैं वो इनको कह रहे हैं कि 10वीं कर ले, उसके बाद आराम ही राम है। जैसे मेरे घर वाले कहते थे कि तू नौकरी लग जा फिर आराम ही राम है। वैसे अर्चना जी को किसी ने कहा कि किसी की कुर्सी पर बैठ जाओ फिर आराम ही राम है। तो ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपके पेरेंट्स ने किस चीज के बाद आपको आराम बताया? होता नहीं घर पेरेंट्स का होता कि तू ये कर ले उसके बाद आराम ही राम है। अब वहां से शुरू करते हैं नन्या, पापा ने क्या बोला आपको कि बेटा ये कर ले? आई थिंक बचपन से ही आराम ही आराम ही दिया। पैदा होते बस तू पैदा हो जा आराम आराम ही आराम है। हां पापा मतलब मेरे पे। अच्छा, तो आपको कोई इसलिए टेंशन कभी पेरेंट्स ने दी नहीं? नहीं। भूमि, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा आपको कि बेटा ये कर ले फिर आराम ही राम है? नहीं यार, कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ड्रामेटिक्स करनी है कर लो, जो करना है कर लो। वाह, बहुत ही इवॉल्व्ड लिबरेटेड हाउस होल्ड है मेरा। क्या? मेरी मम्मी बहुत करती है, लेकिन क्या मम्मी बोलती है कि हां इसलिए बहुत मम्मी क्या बोलती है? मम्मी चालू हो गई थी फिफ्थ क्लास से। क्या? कि फिफ्थ कंप्लीट कर लो, एग्जाम कर लो फिर आराम ही आराम, सिक्स्थ कर लो फिर आराम ही आराम, हर क्लास में सेवंथ कर लो आराम ही आराम, यूनिट टेस्ट दे दो आराम ही आराम। कभी आराम ही आराम हुआ ही नहीं, हर महीने आराम ही आराम सुनता रहा बस मम्मी के। आराम आया नहीं, आया नहीं। नहीं, अच्छी बात है, पर आपके बच्चे मेहनती हैं, आज आपका नाम रोशन करने, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, ये फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो, तो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो कोई तीसरी औरत ही हो या तीसरा कोई आदमी ही हो पति पत्नी के रिलेशन में। कभी कभी आजकल तो मोबाइल भी जो बड़ा लोगों की सौतन बन बैठा है, लोग बोलते हैं ना कि मेरे हस्बैंड तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो कौन है। जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल, हेलो अर्चना मैम, हेलो कार्तिक, भूमि एंड अनन्या, हाय, आई एम भारती, आई एम फ्रॉम पुणे। जी भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक्स अ लॉट। सो बेसिकली मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जी वो इज संतोष। संतोष संतोष किसी का नाम है? जी जी, संतोष पाटीदार इनके पार्टनर हैं। अच्छा। इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। अच्छा, और जिस दिन वो स्टार्टअप शुरू हुआ है एंडिंग हो रहा है, साढ़े नहीं 9:30 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं। 9:30 बजे जाके 8 बजे कैसे आ जाते हैं? सुबह 9:30 बजे। और उसके बाद आगे सोने से पहला कॉल होता है वो संतोष को होता है, संतोष को सुबह उठ के पहला कॉल भी संतोष को होता है। अच्छा जी। और एक दिन अगर ये ऑफिस तो नहीं सो भी संतोष के साथ जाया करो। नहीं नहीं नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, घर आते भी संतोष की इतनी फिक्र। और एक दिन मेहनती है आपके हस्बैंड, तो शाम को वो घर आ जाते हैं, उसके बाद ये ठीक है, तबीयत अगर खराब है तो। अच्छा जी। तो मैं इनसे बोलने लगी हूँ आजकल तो कि एक स्टार्टअप हम खोल लेते हैं, मुझे थोड़ा टाइम मिलना चालू हो जाएगा। कितने साल हो गए भारती जी आपकी शादी को? मेरी शादी हो 11 साल हो गए। संतोष कब आया आपकी लाइफ में? 1 साल पहले। 1 साल पहले जी। तो आपके बच्चे हैं? दो बेटियां हैं मेरी। अच्छा, दो बेटियां हैं, ब्यूटीफुल फैमिली। आपका स्टार्टअप शुरू हो ही गया ना। तो संतोष नहीं आया साथ में? स्ट्रिक्टली नो नो था ये मेरी। अच्छा। आप संतोष की वाइफ को फ्रेंड बना लो ना आप। हाँ। आप उनको कॉल करने शुरू कर दिया करो, इनको इग्नोर करो आप, अपने आप ही जब गुड एडवाइस, आई विल डेफिनेटली फॉलो इट, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार? जी भाई साहब, और डॉलर निकाले। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, हाय, मेरा नाम अतुर है। अतुल अतुर 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 अतुर
एल नहीं है, आर है। अतुर, अतुर मैंने पहली बार सुना यार, आपकी लाइफ में कौन है वो? वो मेरे उस कहानी नहीं है, वो मेरे मम्मा पापा की कहानी है। अच्छा जी। तो हमारे पास एक स्मॉल सा डॉगी है, 4 साल की। तो जब भी मम्मा पापा की लड़ाई होती है तो वो हमेशा पापा के साथ चल जाती है। अच्छा। मतलब मम्मा की तरफ देखती ही नहीं। अच्छा। तो मम्मा कहती है यार क्या है, हमेशा इसको लेके चले जाते हो, मुझे छोड़ देते हो पीछे। मेरे बारे में तो परवाह ही नहीं करते आप। तो हम आइडिया ये लगाएं कि जो आपकी एज है, तो आपके मम पापा मतलब इस एज में भी लड़ाइयां होती है पति पत्नी की? ओ, क्या बात करते हो आप, बहुत लड़ाई होती है उनकी। पर ये ना जो डॉग्स होते हैं जो आप घर पे रखते हो पेट्स, ये बड़ा मतलब अच्छी चीज होती है, आपको लड़ाई नहीं करने देते या ध्यान डाइवर्ट कर देते आपका। अच्छी, पापा आपके समझदार हैं। आए पापा मम्मी साथ में? हाँ जी दोनों आए। कहाँ है? ए पापा इधर है, मम्मा वहाँ पे बैठी हुई है। तो ये आपके जो स्कर्ट वाली मैडम, उनके साथ क्यों बैठे हुए हैं आप? अब क्या बताएं? आप यहाँ लेडीज में बैठे हो, वो भी लेडीज में बैठे हुए हैं। अतुर तुम्हारे पापा बड़े चतुर है, मैं आज भी लड़के तो नहीं आया आज। थोड़ा बहुत तो चलो होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। चलिए भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार। बेटा बड़ा हैंडसम है आपका जी। थैंक यू जी। ये लड़ाई के पहले की बात होगी? ये बात आपने सही बोली, लड़ाई से पहले ही हो गया। हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत बोट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, बॉटम हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आपका शो देखने। अच्छा, वाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। That's so cool. Thank you, thank you. मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाता ही नहीं अब। पर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू जी। तो अभी अपना पेट किसके पास छोड़ के आए आप घर पे? हमारे ड्राइवर के साथ है। अच्छा, ड्राइवर की भी लड़ाई होती तो वो भी पेट के साथ निकल। नहीं, हमें पता नहीं था ये शो इतना लंबा चलेगा। अच्छा, हमने बोला 4-5 घंटे का टाइम है। अरे आगे 10 साल चलने वाला है अभी। हाँ। शो तो बहुत अच्छा चलेगा, हमारी हरकतें ठीक रहे, बाकी तो सब ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो सुपर डुपर कास्ट ऑफ पति पत्नी एंड वो। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू, थैंक यू। माय डॉटर इज ग्रेट फैन ऑफ यू कार्तिक। थैंक यू, सो स्वीट। थैंक यू। मैं इस व्यू से थोड़ी अलग बात करना चाहती हूँ कि वो हमेशा गलत नहीं हो सकती है। पति पत्नी और वो में कभी वो ऐसी भी हो सकती है जो कोई इंस्पायरिंग गर्लफ्रेंड हो, Absolutely. जो उसको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करे, कभी दूसरी कोई चीज जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वेट लूज करना या ऐसी कोई अच्छी चीजों में उसको इंस्पायर करे। हाँ जी। और एक्चुअली और दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो कि उसको देखकर पत्नी इंस्पायर हो जाए और वो पति की ज्यादा प्यारी होने की कोशिश करे। वाह कपिल सर, आप ऐसे इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई वो शुड बी अ गर्ल, वो शुड बी अ मैन जो पत्नी के लिए हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाउ आई विल स्टैंड अप एंड डू दिस। यस यस यस। कार्तिक, मनाली तो मेरे को भी बड़ा पसंद है। सर आपकी तो बहुत बड़ी फैन है सर, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो आपका शो वगैरह देखे वगैरह तो रुकती नहीं है। ये तो चलो बैठते बैठते कुछ बोलना था, बोल दिया। बैठते बैठते। पर आपके विचार मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कि जो वो है वो इंस्पायरिंग भी हो सकती है। यस सर, ऐसे काश विचार सब पत्नियों के हों। लेकिन अगर ये पत्नी के लिए वो इंस्पायरिंग हो गया तो पति के लिए मुश्किल हो जाएगी डेफिनेटली। हाँ बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। वाह, कितनी तैयार होके आई हैं आप। नमस्कार मैम, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ऐसा सूट मेरी मम्मी के लिए भी मंगवा दो एक। बिल्कुल, जरूर। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। अच्छा जी। हेलो कपिल, मैं वंदना जैन। वंदना जी। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। थैंक यू।
कपिल जी, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जो हैं दीपक जी, जी उनके लिए तो मेरे हिसाब से आप हैं वो। शुक्र है किसी के लाइफ में तो हम भी वो हुए। क्योंकि सुबह उठते ही वो कपिल शो देखते हैं, अच्छा, और जब वो घर से जाते हैं तब तक कपिल शो देख रहे होते हैं, अच्छा, एंड जब घर आते हैं रात को उसके बाद भी उनका वो कपिल शो हो जाता है। अच्छा, तो इतनी होती है कि भी मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाते हैं। शादी को कितने साल हुए आपकी? 30 इयर्स। 30 साल? 30। और कितना टाइम दे दें आपको? पूरी लाइफ उनके साथ ली है तो पूरी लाइफ ही मैं तो उनके साथ। अब आदमी बेचारा हंस रहा है कॉमेडी शो देख के। बिल्कुल। बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। पहले पहले तो टाइम दिया ही है फिर? वरना वो नहीं आए भाई, सब नहीं आए साथ में? नहीं वो नहीं आए। अभी कपिल शो देख रहे होंगे? वो कपिल शो देख रहे हैं। मेरी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा शो आता है 9:30। हां जी, पक्का कर लो कपिल शो ही देख रहे हैं कोई? नहीं नहीं, वो कपिल शो ही देख रहे हैं, इतना तो विश्वास है, वो और कुछ नहीं हो सकता। इतना तो मुझे विश्वास है। थैंक यू मैम। वैसे लगता नहीं आपकी शादी को 30 साल हो गए। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और धन्यवाद शो में आने के लिए मैम जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, वाह डोले देखो भाई के। क्या बात है। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हाय। मेरा नाम सनी है और मैं जम्मू से आया हूँ। सनी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बेसिकली मेरे लिए मेरा वो कोई नहीं है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स के लिए मेरा वो जो है वो जिम रहा। आपकी गर्लफ्रेंड से? जब भी वो मेरे को मॉर्निंग में कॉल करते हैं कि हेलो बात करनी है तो मैं बोलता हूँ डियर जिम में हूँ। इवनिंग में बात करें कि हेलो बात करनी है मैं बोलता हूँ जिम में हूँ। और आफ्टरनून में? आफ्टरनून में मैं ऑफिस में होता हूँ। अच्छा हाँ, तो इसलिए उनके लिए जितने मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं वो सब भागे इसी चक्कर में। ये 2400 घंटे रात को अगर 11 बजे भी फोन करो कहाँ पे हो? गर्लफ्रेंड है आपकी? बहुत गर्लफ्रेंड है। अब तक तो सब, अब तक तो सभी निकल चुके। इस शो के बाद एक भी नहीं रहेगी ये बातें कर रही हो। थ्री गर्लफ्रेंड, वाओ। बट ऐसा नहीं है, जब जाने के बाद कोई और नया आता है जिम में तो फिर मेरी वो गर्लफ्रेंड हो जाती है, इसलिए फिर वैसा रहता है मेरा। तो जम्मू में अकेले आप ही रहते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। वाह, आप ही आते हो सबकी पकड़ में। वेरी गुड ब्रो, ये किस्मत पे आपकी अच्छी है। ये आपके बाइसेप का साइज क्या है? मैम 16। वाह वाह, पर इनका कोई फायदा नहीं होता शादी में, कोई लेना देना नहीं इसका। हाँ, फिर आदमी फुल स्लीव पहनना शुरू कर देता है। शुक्रिया सनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। हाय कैसे? हाय हाय कैसे? थैंक यू थैंक। और टीआरपी कैसा है? टीआरपी वाह, आज तो एकदम चाइनीज माफिया लग रही है। लोगों के लिए पूरा एसएल वर्ल्ड बनाया है आज खेलने के लिए। ये नारियल का तेल, ये सरसों का तेल, जरा इसको मिक्स करके दो ना। बैठ इधर। ये क्यों करेंगे मिक्स? अच्छा, मेरे मामा का गाना रिमिक्स कर सकते हैं, मेरा तेल मिक्स नहीं कर सकते। वाह गुड वन, गुड वन। वाह, ये बॉलीवुड का हीरोइन लोग का बहुत अच्छे है। चाइना वाले मिसाइल बना रहे, अमेरिका वाले बम बना रहे, ये लोग अखियों से गोली मार रहे ले। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे को आपसे पूछने का था, ये जब आप लोग अखियों से गोली मारते तो आंखों में काजल लगाते क्या बारूद? कितना अच्छा लग रहा है ना कपू, पति पत्नी आए ले। पति पत्नी और वो आए? नहीं, तेरे को मालूम नहीं क्या? क्या? वो तो मैं हूँ। मैं, लेकिन फिल्म में वो तो अनन्या है। नहीं नहीं, अनन्या तो वो वाली वो है। मैं वो वाली वो हूँ। ये क्या कर रही है? ये क्या? इससे प्रॉब्लम है तो क्या तेरे को? मेरे को समझ में नहीं आया ये वाली वो। अमित जी ने पा में ऐसे ऐसे किया, सिंगम में अजय देवगन ने ऐसे ऐसे किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने किया तो प्रॉब्लम है? दोहरी मानसिकता का विरोध करेगी मैं। कैसे है? अच्छा था अभी तक। मेरे को मैं सच्ची बोलती है, मार्केट में इतने हीरो लोग आए ले, लेकिन मेरा एक ही फेवरेट है, तांत्रिक आर्यन। कार्तिक आर्यन है उनका नाम।
अरे सोच जो आदमी पहले से शादीशुदा हो और उसकी इतनी खूबसूरत वो हो, ये काम तो कोई तांत्रिक ही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। कब हम लोग खुल के जिएंगे, कब अपन जू बीच पे जाएंगे ऐसे खुल के चलेंगे, मैं आपको किस करूं, कब होगा ऐसा? जब थोड़े हाथों से बाल निकलेंगे। वो तो वैक्सिंग करती ना, अभी सुबह ही की थी, शाम तक ऐसे आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। सपना तो शर्म नहीं आती, कैसी बातें कर रही तू? हाँ तो मैं तो वो है ना, तो मैं ऐसी बातें करी कि मैं कौन सी इनकी बीवी है जो बोलेगी शाम को आते वक्त सब्जी लेकर आना, बच्चों के नेपी बदलो। पर तू तो मुकेश से प्यार करती है। अरे मुकेश को छोड़ रहे, मुकेश तो सिर्फ एक स्टार्टर है। ये लड़का मेरा मेन कोर्स है। कल को तेरे को कोई और स्टार्टर मिल गया तो? हाँ तो क्या, मुकेश को फिंगर बॉल बना के उसको धो डालेगी मैं। तू जानता नहीं है, ये मेरे को रात को दो दो बजे मैसेज करता, अंकल अंकल कैसे। अरे नहीं करते है, इसके नाम पे अंकल ने सिम लिया हुआ है। क्या बात कर रहे आपने? सोचो इतनी खूबसूरत हिरणें उनके आसपास हमेशा रहती हैं, वो आपको मैसेज क्यों करेगा? अरे आदमी को तू जानता नहीं है, घर पे भले इनके स्ट्रॉबेरी हो लेकिन इनको पड़ोस की लीची पसंद आती है। है ना? वो अलग बात है कि मैं तो आड़ू जैसी दिखती हूँ। लेकिन मैं खुद को क्यों अपग्रेड करूं? मैं अपग्रेड नहीं, डीग्रेड होता है। हाँ वो इसलिए करने का है मेरे को डीग्रेड। अंकल आपको एक बात बताऊं, आपके बेटे को मैं जो बोलेगी ना वो ये करने को तैयार है। क्यों? पूछो क्यों? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका 2 मिनट का वीडियो है। ओए सपना, ये क्या बोल रही है? अरे प्रोमो के वीडियो की बात कर रही है, क्या सोचते हैं तुम लोग? ये जो डबल माइंड है ना, दोहरी मानसिकता, मैं बता रही हूँ, केस डालेगी मैं। आई लव यू। आ जाओ बैठो बैठो बैठो, इनसे भी बात करेंगे, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो इधर का पास बनाया है ना, आप आते रहते, बहुत अच्छा आपके लगता है। मसाज होती इतने अच्छे हैं। अरे थैंक यू, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप काम भी बहुत मस्त करते, साइंड किया, क्या काम किया, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। इस पिक्चर का भी ट्रेलर बहुत मस्त लगा मेरे को, बहुत अच्छा है। बच्चे लोग का सवाल था कि जैसे आप भूमि है, ठीक है, तो आपकी और कार्तिक की शादी होगी तो आप लोग को बच्चे होंगे या घास? क्या बकवास कर रही है? तेरे को बकवास लग रहा है? मेरे पास तो इससे भी बकवास वाला था, वो तो बोला नहीं मैंने। बोलूं क्या? क्या बता? बोलो बोलो बोलो। तेरे को मालूम है क्या? सुनील शेट्टी इनका बेटा है। किनका? इनका। कैसे? मेरा? वो हाँ बोलता रहता नहीं, धरती मेरी माँ है। अंगूर दे दो, अंगूर दे दो। मजा आता, अंदर से तो कुछ और ही हूं ना, मेरे को अच्छा लगता। अच्छा आपने वो पिक्चर में काम किया था टॉयलेटिक प्रेम का था, तो एक सवाल था ये, एक्चुअली मेरा नहीं अर्चना जी का था। टॉयलेट में लड़के लोग जो नंबर लिखते बोलते मैंने बहुत टाइम फोन किया, फोन तो कोई उठाते ही नहीं। आपने बोला था मेरे को बोलने के लिए क्या है? मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। Really? मुझे डर लग रहा है। अंगूर रख, खुद रख ले, शूट में भी कम करना। अनन्या फिल्मों में अनन्या अनन्या प्रकार के रोल कर रही है। और अनन्या अनन्या लोगों ने आपको अनन्या अनन्या बधाई दिया है। और आप मेरे को पता आपको भी भूख लगी है, आप भी अनन्या अनन्या। हाँ मैं बता रही है कार्तिक, ये आपकी वो है ना पिक्चर में, इनसे जरा थोड़ा बच के रहना। क्यों? क्योंकि क्या चंकी पांडे जी की बेटी है, पूरी पिक्चर में प्यार करेंगी, एंड में आके बोल देंगे आई एम जोकिंग। पकड़ लिया।
फिर अभी धंधे की बात करती है मैं. I have massage parlor. I know. You know, आप लोग का है. I know. अलग अलग टाइप का मसाज है. आपके लिए खास मसाज है पति पत्नी और वो मसाज. अच्छा. इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है? पति और वो. हाँ. हम उन लोग कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और कुर्सी पे बिठा देते हैं. कुर्सी पे बिठा. फिर पत्नी को बुलाते हैं. फिर पत्नी पति को वो के साथ देखती है. फिर बाकी मसाज वही करती है. ऐसा रहता है. फिर आप लोग का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मेरे को पिक्चर. तो हमारे पास ट्रेलर मसाज है आपके लिए. इसमें का कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और तेल लगा के छोड़ देते. बाकी मसाज बहुत हो ही नहीं. ट्रेलर है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ट्रेलर है. फिर आपका एक गाना आया था धीमे धीमे. धीमे धीमे मेरे को बहुत मस्त लगा. तो धीमे धीमे मैसेज चालू किया हम लोगों ने. इसमें क्या है? इसमें हम कस्टमर को बुलाते हैं फिर उसका कप. धीमे धीमे है ना, तो धीमे धीमे बोलेगी मैं क्या कर रहा है. फिर बहुत हो गया मेरे में चलती है. वो आपकी दोस्त है ना तापसी. हाँ. वो पिछली बार आई थी, अपना पुन्नू छोड़ गई अंदर. पन्नू छोड़ गई. तो नहीं, एक्चुअली उनको रीडिंग का शौक है. वो चार पन्नू की किताब लाई थी. तो दो पन्नू मेरे पास रह गया मेरे को दे देने का उनको. मैं चलती हूँ. बाय. तो आप सब जानते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं. उड़ने दो. पर हम क्या कभी कभी कंफर्म कर लेते हैं. तो अफवाह ये है, भूमि आपने फिल्मों में इतने सारे पत्नी के रोल कर लिए हैं इसलिए आप वेरिएशन देना चाहती हैं और अगली फिल्म में आप भूतनी का रोल कर रही हैं. ये सच्ची बात है? हाँ. अच्छा, अफवाह नहीं है ये? अफवाह नहीं है. भूतनी का रोल कर रही हैं आप? हाँ. कौन सी फिल्म में? अब वो मैं क्यों बताऊं, अब आपने इतना कुछ ढूंढा था वो भी ढूंढो. कार्तिक, एक अफवाह ये कि आपने धीमे धीमे सॉन्ग जो है एक ही टेक में इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता था ये सॉन्ग एक ही टेक में ओके कर दिया तो सेट पे जितनी भी लड़कियां हैं सब आपको किस करेंगी. ये वीडियो भी मैंने देखा है. ये मैंने भी देखा है. हाँ, रियल लाइफ में मैंने देखा. ये मैं रियल लाइफ किया भी है. तो ये नहीं, मैं थी जब वो लड़कियों ने उसे किस किया. वो कौन थी लड़की? हाँ, किस किया? हाँ. कौन थी वो? वो डांसर्स है, कोरियोग्राफर सब ने. बॉस्को सर ने बेसिकली बोला था कि ये एक वन शॉट करते हैं, अगर ये वन शॉट होता है तो सब लड़कियां बोल रही थी कि कुछ तो पता नहीं उनका था कि किस करना है. किसी ने बोल दिया. मैं तो दो घंटे का शो एक ही टेक में कर लेता. सपना आएगी ना, किस करेगी तेरे को. यही बचा मेरी किस्मत में. चलो एनीवेज, अनन्या एक अफवाह ये कि ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे, इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई. हाँ, ये ट्रू है. हैं? जब हम डिज्नीलैंड और सब जाती थी वे मेरी उम्र बहुत कम बताते थे तो मुझे चाइल्ड की टिकट पे डालते थे. लाइक सच में स्पॉन्सर्ड पार्टी. चंकी सर, आई लव यू. वी ऑल मस्ट लर्न. इनको होना चाहिए हमारा वित्त मंत्री. है ना, बड़े अच्छे से पैसा मैनेज करेंगे. मैनेज क्या, जान ही नहीं देंगे कहीं. वाओ नन्नेश, थैंक यू बताने के लिए. भूमि, एक अफवाह है कि सांड की आंख के बाद आपका निशाना इतना अच्छा हो गया है कि पान खा के सीधा डस्टबिन में निशाना मारते हैं. मेरा निशाना इतना अच्छा हो गया कि मैं सिर्फ अखियों से गोलियां मारती हूँ. कपिल, तुम्हारी अफवाह गलत है. वाओ, पढ़ी कब से? कार्तिक, आप बहुत सारी फिल्मों का सीक्वल कर रहे हैं जैसे दोस्ताना 2, लव आजकल 2, एक अफवाह है कि पा का सीक्वल पा 2 भी कर रहे हैं आप. अफवाह है. पा 2 वो भी ला 2. वो भी ला 2. ही इज रेडी. ओके, तो ये कुछ सवाल हैं. आपने इतने दिन साथ में शूट किया है, आप काफी सारी बातें जान चुके होंगे जी. तो हम आपको यस और नो वाले ये ऐसे प्ले कार्ड दे देंगे, तो आपको बताना है हाथ खड़ा करके कि आपने वो किया है या नहीं. किया है या नहीं? ओए, साड़ी से मैचिंग. अच्छा, ये रेड. नो ही मैचिंग है. यस नहीं? यस इज मैचिंग मी. ओके, तो आप तीनों ने कभी बिना ब्रश किए ब्रेकफास्ट किया है?
हमेशा हमेशा जी या या ऑफ कोर्स मैंने भी इतना शॉक क्यों लग रहा होता है वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बिना ब्रश किए करना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए वो डॉक्टर है ना मम्मी पापा तो वो बोले डॉक्टर साहब शर्या मना कर रहे ओके आप में से तीनों ने कभी किसी फैन के साथ फ्लर्ट किया है नहीं नो नो यस किया यू हैव नो नो अरे भूमि ये कब की बात है कपिल बचपन से लोग मेरे फैन हैं अच्छा और बाकी तो मैं क्या कहूँ ये थी डिप्लोमेसी कि बचपन में कभी फ्लर्ट कर दिया था जाने हैं मेरे फैंस जिनकी मैं भी फैन हूँ ओके बिना इनविटेशन किसी की शादी पे गए हो यस रियली बहुत बार मेनी टाइम्स बहुत बार मेनी मेनी ये तो चंकी सर ही ले जाते होंगे डिजाइनर से कभी किसी ओकेजन के लिए फ्री में या रेंट पे कपड़े लिए अरे ये तो सारे से राइट नाउ हेड टू टू ओके कभी किसी सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया है अरे यार एवरीवन डज दैट चेंज ही नहीं किया ना मैं काफी सवालों में यस ही है बेशरम है हम सब किसको किया भूमि आपने मैंने अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन को किया वो ये अच्छा है अपने लोगों को प्रमोट कर जाओ ना और उससे पहले आपको अरे नेक्स्ट और बस वो बेस्ट है उसके आगे जाओ ना आपने कार्तिक किसको मैंने अर्चना जी को किया बताओ इनका आईडी किस नाम से है अर्जुन सिंह दे अर्चना पूरन सिंह यस ही इज राइट ओनली अर्चना पूरन सिंह देयर इज नो वन लाइक हर यस गुड वन ही इज राइट शाबाश अनन्या आपने किसको किया मैंने मेरे डैड को स्टॉक किया पापा को स्टॉक किया मैंने चलो ये तो हो गया झूठ सच बताओ अब मैं सबको स्टॉक करती हूँ कार्तिक भूमि आपको अर्चना मैम को मैं बड़ी स्टॉकर टाइप नाइस ओके ओके मूविंग ऑन खाना खाने के बाद कभी उंगलियां चाटी अरे रोज अपनी उंगलियां चाटी दूसरे की ये एक्चुअली One, two, three, come on. यार जब जब तबले बज रहे थे ना माने तबले बज रहे थे सोचो इतनी स्टाइलिश बन के आए कोई सारी हाय कंग्रेचुलेशन मूवी अच्छा फिल्मों में आप भूमि कितनी बार पत्नी बनी है आप भी पति बने हैं लेकिन हम आपको एक आज भी आपको नहीं बनाएंगे हम पत्नी हम आपको वो ही बनाएंगे वो पति पत्नी और वो पूरी पति पत्नी वाली फीलिंग देते हैं जो नॉर्मल लाइफ में रहता है पति सब्जी लेने जाता है कभी कभी पत्नी भी साथ चली जाती है तो अनन्या जो है वो सब्जी बेचने वाली है मैं भी सब्जी बेचने वाला हूँ और आप मियां बीवी हैं और आप सब्जी खरीदने आए हैं बाकी आपके ऊपर है जो आपका मन करे ठीक लेके आओ सब्जी का ठेला कम अनन्या देखो ऐसी सब्जी बेचने वाली कभी देखी आपने लाइफ में देखिए हमने तो ऐसी सब्जी खरीदने वाली भी नहीं देखी सब्जी खरीदने वाली भी नहीं आपने देखी बेचने वाली तो जरूर ये चलो जी सब्जी बेच रहे हैं दो मार्केट में लोग ये सब्जी ले आलू ले ये लौकी ले बैंगन ले ले मेरे पास ताजा ताजा पालक है और धनिया है और टमाटर नहीं है
ओ वाह, कितनी अच्छी है ना। वो तो है, हाँ एकदम करारी है। मैं सब्जी की बात कर रही हूँ। मैं भी वो हरी भरी सब्जी है, मतलब इसके पास, इसके पास। साहब बोलो, मैं आपको क्या दूँ? अपना नंबर दे दो। तुम इसके नंबर का क्या करोगे? वो इसके नंबर से होम डिलीवरी करवाऊंगा। नहीं नहीं सर, मैं होम डिलीवरी नहीं करती। मैं करता हूँ। मेरे को आप अपना नंबर दे दो, इस पे लिख दो, लॉकी पे। मैं करता हूँ होम डिलीवरी। ठीक है। क्या क्या ठीक है? इनके चक्करों में मत पड़ो, लॉकी वॉकी के। ये ना ऐसे पत्नियों को भगाते हैं ये लोग। अच्छा? हाँ, नंबर के बहाने। सीरियसली? नहीं नहीं साहब, आप उनकी छोड़ो, मेरी ज्यादा अच्छी है। तो मेरी वाली को क्या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है? मेरी वाली भी तो अच्छी है। नहीं, ये सब सब्जियों पे पानी मारता है। तो क्या आंख मारूं मैं का पानी? पानी मार रहा है, ताती रहती मैं है। मारती हूं आंख। सुनो सुनो, मुझे ये एकदम फ्रेश लग रही है। एक सेकंड एक सेकंड, ये तुम्हें फ्रेश लग रही है और मैं क्या बासी हो गई हूँ? अरे मैं पुदीने की बात कर, पुदीना तो है ही नहीं। ये पुदीना नहीं है, क्या है? फंसी है, फंसी पता नहीं क्या है ये। हाँ, नजर तो सेम 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 नजर सेम। सब्जी पे होगी तो बताएगा ना मैम साहब। बिल्कुल। चालू हस्बैंड ढूंढा आपने? आप आग मत लगाओ। सुनो, तुम्हें पता है ना मेरी दूर की नजर खराब है। अच्छा? दूर की नहीं, इनकी शराफत की नजर खराब है। आप मेरे से सब्जी ले लो मैडम, पैसे की कुछ जरूरत नहीं, पैसे लेने में घर आता जाता रहूंगा। ठीक है। उसको मेरे घर घुसने की बड़ी पड़ी है। हाँ। तो वो तीसरे दिन हमारे शो में घुस जाती, हमने तो कुछ नहीं कहा। मैडम, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, अगर आप ये लेंगी, बैंगन के साथ आलू फ्री है, आलू के साथ भिंडी फ्री है, भिंडी के साथ ककड़ी फ्री है, मेरे को आंख मार दो, सब फ्री है। ये होता है ऑफर, ये बहुत अच्छा ऑफर है। होता है ऑफर। हाँ, बोलो आप बोलो, बोलो। खुद से सब फ्री ले लो, हम हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ये ज्यादा बढ़िया ऑफर है। अच्छा, तुम्हें ये ऑफर वॉफर अभी सेटल करना, तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऑफर। क्या था उनके साथ? क्यों चल रही हो मेरे साथ? अच्छा तुम चलो। मेरी रेडी लगा देना मेरे घर पे। सुनो, ये लोग तो चले जाएंगे, हम ही बचेंगे दोनों, क्या बोलती हो? चलो, हमारे आलू और हमारी गोभी। क्या करेंगे उसके साथ? कुछ नहीं, सब्जी बनाएंगे। पर इतने क्यूट सब्जी बेचने और खरीदने वाले, वाओ। आइए कार्तिक, अनन्या, भूमि। भूमि कम। ये क्या? वो ये पति पत्नी और वो यार। कार्तिक जी, अनन्या जी, भूमि जी, आप सबको इधर साथ में देख के मेरा हर्ष उल्लास निकल गए। थैंक्स फॉर बीइंग देयर, दैट्स रियली कूल। वैसे कपूर शर्मा, मैं आपको एक दरख्वास्त करेगी। क्या करेंगे? दरख्वास्त कि एक बार भूमि जी के पीछे चेक करो कि इधर अक्षय कुमार तो नहीं बैठे हैं। क्यों? इन लोग का प्लानिंग है यार, एक बार तुम जाओ फिर मैं जाएगी, एक बार तुम जाओ फिर मैं जाएगी, फिर तुम जाओ फिर मैं जाएगी, और जब दोनों भी इधर आके तक जाते हैं तो आयुष्मान खुराना को बेच देते हैं। आई नो भूमि जी, लेकिन मैं आपको बालक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले। थैंक यू। व्हाई क्यों? व्हाई क्यों? लेकिन एक बात बताइए, बाला फिल्म के लिए आप ज्यादा ऐसा पूजा पाठ तो नहीं किए होगे ना? क्यों? कि पूजा पाठ करते तो बाला टल जाती। कार्तिक जी, मेरे को पता नहीं है कि आप वाकिफ है कि नहीं। वाकिफ? लेकिन आज का जनरेशन का जितना लड़की लोग है ना जी, उनको सिर्फ दो ही चीज पसंद है, उसके पीछे ही भागते हैं। कौन सी दो चीजें? एक है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक और दूसरा लाइफ में कार्तिक।
ठीक है ब्रो, लेकिन मैं आपको देख के बता सकते हैं जी कि आप अंदर से बहुत ही हष्ट पुष्ट और बलशाली है। कैसे? क्योंकि ये कार्तिक आयरन है। कार्तिक आयरन नहीं, कार्तिक आर्यन है वो। ब्रो कम ऑन मैन, ब्रो कम ऑन मैन, मैं एक अच्छा खासा आदमी को इधर आयरन मैन बना रहे, तुम्हारा थानोस में क्यों दर्द होते है? आप लोग का फिल्म का मैं ट्रेलर देखे, मैं वो गाना आपका फिल्म का बहुत ज्यादा पसंद है, वो कपूर शर्मा तुम्हारा दिनेश जो सोसाइटी में रहते हैं, वो कौन से विंग में रहते हैं? डी में। मतलब गाना डी में है लेकिन बहुत तेजी से मेरे सर पे चढ़ गए है, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही कूल गाने है। अनन्या जय। यस अनन्या जय, मैं आपको क्या बोले? कुछ मत बोलिए। मैं आपको सच बताए? नहीं ओके बोल दो। कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन मैन। सच में मैं आपको बोल रहे हैं कि आप जरूरत से ज्यादा खुशबूरत है। खुशबूरत, बहुत खुशबूरत है, बहुत खुशबूरत है। और ये मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, ये मैं उस पे बोल रहे वो गधे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डंकी। हाँ, मैं डंकी के चोट पे बोल रहे हैं। डंके की चोट में होता है। डंके, ब्रो, I know that, मेरे को पता है। लेकिन ब्रो एक बात बताओ यार, पहले बात तो ये डंके को चोट लगे है, तुम उसको अस्पताल नहीं लेके जा रहे, उसका इलाज नहीं करा रहे, डंके के चोट पे खड़े होके बोल रहे है। ये कितना गलत बात है। तुम्हारा दिल में डंके के लिए जरा भी जगह नहीं? बेचारा डंका, कल तुम्हारा डंके पे चोट लगेगा। और तुम्हारा डंका सूज जाएगा बेचारे पे डंके पे। फिर सूझे हुए डंके पे कोई कोड़ा आके बोलेंगे अच्छे लगेंगे? मतलब तुम्हारा डंका डंका, दूसरे का डंका डंका। मेरे को बताओ ये कोई डंका बात हुआ? अच्छा तू कुछ भी बोले जा रहा है, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात कर। मैं फिल्म का बात करेगी, मैं अभी फिल्म का बात करेगी। मैं देखे अनन्या जी आप okay. फिल्म के अंदर भूमि जी के वो है वो ये एक ट्रक 10 टन का है, तो 10 ट्रक कितना टन का हुआ? 100 टन। 100 टन, आप 100 टन है। आप फिल्म में 100 टन है, मतलब पति पत्नी आप लोग है, आप 100 टन है, आप 100 टन है, ये पति पत्नी आगे बताया ना बताएगा, लेकिन जिम में जिम में जिम में जिम जिम में 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 बता रहा है ब्रो। क्यों मैं आपको बोल रहे थे नाना जी, एक सलाह देना चाहते हैं मैं। सलाह क्या है? हाँ? कि अभी ये पति पत्नी आप वो है जी, हम चेंज कर सकते हैं डायनेमिक्स को। हाँ, हम कार्तिक को वो बना देंगे। ओह, ज्यादा कुछ नहीं करने, आप मेरे साथ शादी कर लो। तो हम पति पत्नी हो गए और ये हो गया वो। तू तो कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड है? मेरा नहीं है वो, दोस्त का है गर्लफ्रेंड। दोस्त का गर्लफ्रेंड है वो, तो अकस्मात मेरा दोस्त को दुबई जाना पड़ा कुछ काम के लिए, अकस्मात तो इसके लिए वो जो दोस्त का गर्लफ्रेंड था उसको शादी के लिए मैं वो कर ली, वो हिमाचल में हिल स्टेशन है, क्या बोलते हैं, मनाली। हाँ, मैं शादी के लिए उसको मनाली। लेकिन ब्रो प्रभु का लीला देखिए, वो भी मेरे को छोड़ के चली गई। और क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा घर में पैसे का थोड़ा वो था, वो मनाली के पहले एक और हिल स्टेशन है, मंडी। मंडी मंडी था, पैसे का मंडी था हमारा घर में। So now I got no girlfriend anymore. अब नहीं है। लेकिन अर्चना जी, मैं आपको बहुत देर से देख रहे हैं, इतना जोर जोर से मत हंसो। क्यों? फिर कैसे हंसे? आपने कहाँ छोड़ी थी ये ड्रेस? हमारी हिम्मत कैसे हुई अनन्या जैसे कपड़े पहनने की? इस बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन जब सामने कार्तिक जैसा हैंडसम बंदा बैठा हो तब तुम जैसों के लिए एक ही जवाब होता है। क्या? वैसे गाइस,
I saw your trailer. Trailer looks really, really thank awesome. You, Buri, thank you so much. एक बात बताऊँ मुझे? Yes. ये कच्चा कच्चा चेहरा लेके पक्का पक्का English बोलने वाला लड़की है कौन है? नहीं 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 कपूर शर्मा कांग्रेचुलेशंस ब्रो पहली बार तुम्हारा शो का कोई लड़का प्रॉपर लड़की लग रहा है एक्सक्यूज मी मैं मजाक कर रही थी तुम एक्चुअली नहीं लग रहे हैं ऑलराइट सच में मजाक कर रही थी मैं बता देते कार्तिक अनन्या बूमई मेरा इधर भाई रहते हैं बच्चो यादव ये उसका साली है लेकिन मेरा भाई जो है वो बिल्कुल भी इसको घास नहीं डालते है क्यों डालेंगे आप देखो इसको क्यों डालेंगे डालेंगे इतनी हॉट है पूरी पर मैं डालते है घास क्योंकि मैं थोड़ा मोटे है ना तो मेरा इतना कोई ऐसा चॉइस वॉइस है ना लाइफ में मेरे को कुछ भी चलते है ब्रो मेरे को तो इतना ज्यादा कुछ भी चलते है कल मैं ये दिनोश को कॉफी के लिए लेके गए थे ये तुझे शर्म नहीं आती इसे कॉफी पिलाने ले गया तू ये तो होटल जाने के लिए भी रेडी थे खाना खाने के लिए बोल रहे थे भूख लगा है खाना खाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं भूख लगी होगी नहीं वैसे भी क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़का का भी दोस्त नहीं हो सकता है मैं वैसे ही बात को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ म्यूजिक दे के और अंडरलाइन कर दो पूरा बात को ब्रो अभी मैं तुमको कभी कॉफी के लिए नहीं लेके जाएंगे पा बुरी तुम देखे मैं कितना क्यूटनेस से भरपूर है देखे कि नहीं इसलिए मैं परमिशन देते आज रात को अगर तुम मेरा सपना देखने चाहते है देखो लेकिन तुम सपने में पूरे फिट कहाँ होगे Oh yeah. चार पांच लोग लगेंगे ना सपना देखने के लिए एक साथ ताकि तुम फिट हो पाओ Come on, boy. मजाक छोड़ो यार वो तो इसने 6 साल पहले छोड़ दिया था बैठ जा कहीं बेहोश ना हो जाना बैठ जा बैठ जा बैठ जा अरे नहीं बैठना मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें करने क्या आई है सारे बर्तन बर्तन तो धो लिए हमने देखो कप्पू भूरी की लाइफ में ना सब कुछ है सिर्फ वो नहीं है और मुझे वो चाहिए ये तो फिर मैं भी पीछे क्यों रहेगी मुझे भी वो चाहिए अरे वाह दादा मेरे को भी वो चाहिए डंडा होता ना तुम लोगों ने दिमाग खराब करके रखा यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को दोनों को वो बनना है ना तो आप लोग आपस में दोनों शादी कर लो उसे फिर आप वो हो जाएंगे हम शादी हाँ नहीं लेकिन एक्चुअली हाँ अगर कार्तिक आप ऐसा कह रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं मानने के लिए राजी हूँ नहीं 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 मेरे को प्रॉब्लम है क्या नहीं अगर मेरे को इससे शादी करना है तो मेरा एक वो है वो क्या बोलते हैं वो पैंट के ऊपर क्या पहनते हैं बेल्ट बेल्ट ब्रो बेल्ट इधर पहनते हैं ऊपर इधर क्या पहनते हैं बनियान ब्रो बनियान के ऊपर क्या पहनते हैं जैकेट जैकेट ब्रो तुम सलमान खान के शर्ट पहने गए नहीं तो मेरा ये शादी करने के लिए एक शर्ट है और वो ये है कि मैं शादी में सिर्फ एक फेरे ले गए इसके साथ क्यों एक मिनट फेरे साथ होते हैं हाँ तो मैं खाली एक लेगे उसके बाद मुझे अच्छे लगेंगे तो फिर मैं और लेके शादी रखेंगे नहीं तो मैं एक फेरा भी ऐसा रिवर्स में लेके तुमको शादी वापस कर देंगे एक मिनट मारो से ना एक मिनट मेरी भी एक शर्त है शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी वो तुम मत छोड़ो पहले ये बताओ तुमको जॉब देगे कौन इतना बैक टू बैक शर्ट मेरे ऊपर रख रहे हैं मैं भी अभी एक शर्ट रख रहे हैं मैं ऐड किया है शर्ट मैं शादी में घोड़ी पे बैठ के नए आएंगे ये तुम्हारा शर्ट है घोड़ी का ये तुम मेरा मजाक उड़ा है जी हाँ तुम्हें अब रियलाइज हुआ मेरा
तुम्हारा तुम्हारा ठीक है, तो अभी मैं एक और शर्त रख रहे हैं शादी के लिए, हमारा शादी के बाद जो हनीमून होएगे उसमें तुम मेरे साथ नहीं चलेगे। तो फिर मुझसे शादी कर क्यों रहे हो तुम? मैं तो वो के लिए कर रहे हैं ना। और क्या, हम दोनों शादी करेंगे तो हम पति पत्नी होएंगे, थोड़ी तो वो मेरे वो होएंगे। अगर मैं उनसे शादी कर लिए तो हम पति पत्नी हो जाएंगे और तुम वो हो जाएंगे। मैं तुमको ये में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो में भी कर रहे। वाह, आप देख रहे हैं भूमि, आई कांट टेक इट। ये मर्द ना सब भूल चुके हैं कि एक पत्नी होती है जो घर बनाती है। बिल्कुल। एक पत्नी होती है जो पति के सुख दुख में उसका साथ देती है। एक पत्नी होती है जो रिश्ते बनाती है और निभाती है। जोरदार ताली हो जाए पतियों के लिए। मतलब तुम्हारा है कि एक सुखी घर के लिए टोटल 3 पत्नी चाहिए। तीन पत्नी, तीन तीन, मेरा इधर एक के जुगाड़ नहीं हो रहा। मैं किधर से लाएंगे 3? मेरे को बिना पत्नी के वो चाहिए। कि तुम क्या हंसे जा रहे हो, वहां पे चिड़िया घर वाले आके ना तुमको ले जाएंगे यहाँ से किसी दिन। मेरे को क्यों ले जाएंगे, जंगली तोते। मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ, रोटी जुगाड़ कर रहा हूँ, मेरे को क्यों ले जाएंगे बहन जी, मैंने क्या किया? बहन जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।